का स्वागत है सदा के रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, घर में ही छोटे छोटे सामान थोड़ा थोड़ा बच जाता है, बचे हुए सामान कुछ भी है, ऐसे कि चना है, राई है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा सामान कुछ किराने में बच जाता है, तो वो सामान धरा रहता है अपना, क्या करें कैसे। लेकिन सारा जोड़ के आज मैं एक भी कुछ नई सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ आज, देखिए बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों, इतने मैंने चना ले लिए, तो कप से देखो तो 1.5 कप चना है। तो रखे थे जो बहुत दिन के रखे थे, तो उस कुछ काम में नहीं आया, तो आज उसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो ये चना है, जैसे लाते तो ये मिक्सर जार, तो मैं इसी में डाल लूँगी। ये मिक्सर जार में मैंने डाल लिए चना। अभी डाल लूँगी 3 चम्मच तिल्ली, तो भुंजी हुई तिल्ली है जो लड्डू बनाते हैं, वही वाला तेल है, तो इसी को भी इसमें डाल दूंगी कटोरी में। सेल अब इतने वो कुटी हुई दरदरी कुटी हुई धनिया मोटी वाली, तो ये भी डाल देंगे। इतने आधी चम्मच जीरा लिया मैंने, जो भी डाल दूंगी। इतने धनिया मिर्ची नमक, चलिए डाल देते हैं। और इतने आधे कप सूजी दही है मैंने, चम्मच से देखो तो 4 चम्मच है, और कप से लो तो आधे कप है। तो मैंने आधे कप सूजी ले ली रवा, इस तरीके से मैंने ले लिया सारा सामान। अब मैं इसी में थोड़ा सा पानी डालूंगी, तो इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना के तैयार कर लूंगी। चलो पीसते हैं। तो आप निकाल लीजिए बाउल में, सारा ऐसे मैंने निकाल लिया, और है अभी इसमें बहुत ज्यादा। तो बहुत अच्छे से ऐसे तो ये मैंने निकाल लिया, और थोड़ा सा पानी डाल के भी अब ये हो गए खाली। अब पेस्ट अच्छे से मिलाना है उसको, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मिलाते जाएंगे। ये पानी डाला सारा मिक्स कर लेंगे। बहुत बढ़िया सा बन के तैयार है। अब इसी में डालूंगी काली मिर्च, तो काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, देखिए काली मिर्ची डाल रही हूँ। तो मैंने आज तक कितना सामान, और आप देख सकते हो, फिर से बना के अब दिखाती हूँ मैं इसे। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे बनाना है सारा, तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच। आज इसको अच्छे से फैला देंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से फैलाना है, बढ़िया सा द्रोबर सा। ये देखिए जितना पतला आप कर सके उतना पतला हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे बचे हुए सामान से इतना सारा, इतना हेल्दी सा नाश्ता, बढ़िया अच्छा सा। और दोस्तों, सब्जियाँ भी आप डाल सकते हैं, सब्जी हो आपके पास कुछ तो सब्जी डाल सकते हैं, पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, हरी सब्जी, प्याज, लहसुन, टमाटर। बना रही हूँ एक एक बूंद तेल बगल में डालना जरूरी है थोड़ा सा। आई देखिए ये बहुत बढ़िया से नाश्ता बन के तैयार है ना दोस्तों, हेल्दी और बहुत बढ़िया। चलो ऐसे मैंने चीला बना लिया इस तरीके से, ये देखिए और जो बन रहा है एक और आखिरी, तो लास्ट डे है तो मैंने इस तरीके से बना लिए। गैस को करूंगी बंद, तो गैस मैंने बंद कर दिया, अब इसको हटा लूंगी। तो अब लगाते हैं, और अचार के साथ भी और टमाटर केचप के साथ भी तो खा सकते हैं, तो बहुत अच्छे लगे। वैसे भी नमकीन बने हैं, मैंने मिर्ची वाले बनाए हैं, तो मिर्ची वाले भी बने हैं बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने बना लिए बिल्कुल घर के बचे हुए सामान से, देख सकते हैं आप, आपके सामने चना
और सूजी और कुछ मसाला नहीं लिया, सिर्फ चने से, रोज चने अभी तो घर में ये वाले देश फूटा आते हैं, वो वाले चने सके हुए रहते हैं तो नुकसान भी नहीं करेंगे। और इस तरीके से मैंने बचे हुए बना लिए दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।